आज हम बनाने जा रहे हैं होटल स्टाइल शाही पनीर की सब्जी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे 4 कटे हुए टमाटर, इसको हम कढ़ाई में डाल लेंगे। और हम इसी के साथ लेंगे 4 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, और लेंगे हम यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा, जिससे गल जाए टमाटर और प्याज। दोस्तों हम इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हो। अब हम इन सभी को मिक्स कर देंगे। अब इसको हम ढक देंगे और ढककर हम टमाटर और प्याज को उगलने तक पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको हम कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमने पनीर को कट कर लिया इस तरीके से। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, टमाटर प्याज अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के बाद इसको हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में। दोस्तों अब इसको हम टमाटर प्याज के पेस्ट को छान लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और हम उसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, आप इसकी जगह बटर डाल सकते हो। इनको हम गर्म कर लेंगे। दोस्तों ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और हम इसी के साथ डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और हम डालेंगे कटा हुआ पनीर। इसको हम कुछ सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों और हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं, पनीर फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर प्याज की प्यूरी, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया था, और हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, इनको हम मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू का पेस्ट, इसको हमने 10 मिनट के लिए भून के रख दिया था, फिर इसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। और हम इसमें डालेंगे अमूल की क्रीम।
इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम ढककर उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए दोस्तों, उबाल आ गया है, सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, शाही पनीर की सब्जी देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। दोस्तों, शाही पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।